राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन राजस्थान सरकार की असुविधा आम अभ्यर्थियों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से जयपुर में भीषण गर्मी में हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी लापरवाही से जहां कुछ अभ्यर्थी निर्धारित वक्त तक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके, तो वहीं कुछ ने आखिरी वक्त में मजबूरन निजी बसों में सफर कर परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश की। रोडवेज की बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा के बाद बड़ी संख्या में छात्र निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं। इस वजह से 52 सीट बसों में 100 से ज्यादा छात्र बैठ कर गए, वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। लेकिन जब छात्र बस के अंदर नहीं बैठ पाए तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठ गए। इन्हें रोकने के लिए न तो रोडवेज प्रबंधन आगे आया और न ही पुलिस प्रशासन। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सौगात छात्रों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है। जोधपुर परीक्षा देने जा रहे जयपुर के रवि मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा छात्रों को सुविधा तो दी गई, लेकिन इसके लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। इसकी वजह से अब छात्रों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं हरीश खंडेलवाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी सरकारी लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को हर निर्णय से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, ताकि सरकारी भूल आदमी के लिए परेशानी का कारण न बने। दरअसल राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान छात्रों को सरकार द्वारा रोडवेज बसों में परीक्षा से 6 दिन फ्री यात्रा की सुविधा दी गई थी, जिसके तहत अभ्यर्थी परीक्षा से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद भी रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकते हैं। लेकिन सरकार की असुविधा राजधानी जयपुर में अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।